नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जब भी कोई ऑप्शन में ट्रेड करता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो ओआई डेटा को कैसे रीड करे, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है। ज़्यादातर ट्रेडर्स को ऑप्शन बाइंग के समय जो लॉस होता है वो मार्केट के गलत डायरेक्शन की वजह से होता है। मार्केट का ओवरऑल मूड और मार्केट की सही डायरेक्शन आपको पता होती है ऑपरेटर के मूड से। ऑपरेटर किस मूड में है वो सारा डेटा हम लोग ऑप्शन चेन के जरिए देखते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन में डेटा देखना इतना इजी नहीं रहता है। तो ये ट्रेडिंग टिप्स वेबसाइट है, एकदम फ्री वेबसाइट है। जिन भाइयों को भी ऑप्शन चेन देखने में दिक्कत है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा रीड करने में दिक्कत है, वो इस वेबसाइट का पूरा यूज़ कर सकते हैं, इस वेबसाइट को समझ सकते हैं। साथ में इस वेबसाइट के डेटा को देख के वो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पता कर सकते हैं। तो आज आपको पूरी लर्निंग देने वाला हूँ कि इस वेबसाइट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अभी लाइव मार्केट चल रहा है और लाइव मार्केट में सेंटिमेंट जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होने वाला है। तो अगर जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लर्निंग वीडियो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग टिप्स वेबसाइट में, डोमेन दिया हुआ है इसमें, ट्रेडिंग टिप्स वेबसाइट है, आप उसको याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, आपको अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स में दिया है फ्यूचर्स में कौन कौन से ऑप्शन है। फ्यूचर एनालिसिस है, लॉन्ग वर्सेज शॉर्ट है, प्राइस वर्सेज ओपन इंटरेस्ट है। ऑप्शंस में जाएंगे तो ओआई एनालिसिस है, ट्रेंडिंग ओआईज कौन से हैं, कॉल वर्सेज पुट कौन सा है, एटीएम के प्रीमियम्स क्या हैं, इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी क्या है, मल्टी स्ट्राइक्स के ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओआई इंटरवल वाइज क्या है, प्रीमियम डीके किस लेवल के होते हैं, शॉर्ट एवं लॉन्ग किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं, और प्राइस वर्सेस ओआई है। लेकिन जब हमें ऑप्शन ट्रेड करना है, ऑप्शन स्पेशली ऑप्शन बाय या सेल करना है, तो हमें यहाँ पे जाना है। आप ऑप्शंस पे जाएंगे, इस पे सेलेक्ट करेंगे कॉल वर्सेस पुट ओआई, ओवरऑल कॉल और पुट का ओआई क्या चल रहा है। तो आपको जो डेटा देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे देखिए, मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। पहले एक बार मैं निफ्टी का चार्ट खोलूँगा, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ। देखिए मार्केट का सेंटीमेंट हमें समझना है, मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह का है। तो मार्केट के सेंटीमेंट को समझने के लिए यहाँ पे इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको ठीक से विजिबल हो जाए, ठीक से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं लगाऊंगा 15 मिनट का चार्ट। ये देखिए, मार्केट सुबह ओपन होता है, ये गैप्स में ओपन होता है 19,442 के आसपास। और फिर यहाँ पे देखिए कॉन्टीन्यूसली जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। जब कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब जो मार्केट है वो बियरिश है, लेकिन कॉन्टीन्यूसली हम लोग देख रहे हैं कि पुट साइड का भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो जब पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है तो फिर उस समय मार्केट बियरिश टू साइडवेज के व्यू को हम मान के चलेंगे, क्योंकि मार्केट का जब पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो लोग मार्केट को जो ऑपरेटर है वो नीचे भी नहीं जाने दे रहा है, लेकिन कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है, इसलिए मार्केट का व्यू जो है वो बेयरिश है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से यहाँ पे काम किया है। मार्केट का देखिए, सुबह मार्केट ओपन हुई, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, मार्केट का डाउन साइड का मूव दिया, डाउन साइड के मूव देने के बाद ये मार्केट और भी यहाँ पे नीचे तक आ गई। तो ये एक रेंज ऑलरेडी मार्केट की पहले से फिक्स थी। यहाँ पे आप देख लेते हैं, ये रेंज जो है मार्केट की, 15 मिनट का चार्ट है, मार्केट की एक ऑलरेडी रेंज है 19,775 से 19,440-50 के आसपास की। तो मार्केट साइडवेज है और मार्केट में एक रेंज बनी हुई है बियरिश साइड। अब जैसे जैसे ये डेटा, जैसे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज होगा, कई बार ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट एक दूसरे को ये लाइन क्रॉस कर जाती हैं, जब ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो अपोजिट साइड का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इन कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पहले क्रिएट है तो फिर उसके बाद पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये जब भी आप इसको चेक करें, आप इसका हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हैं। जैसे आपको पहले के ये लाइव मार्केट का है, अगर आपको डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि कल क्या हुआ था, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही थी, तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 22 कर लेते हैं कल के। देखिए कल की मार्केट क्या है, इसमें क्रॉसओवर भी मिला है, यहाँ क्रॉसओवर मिला है और डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो ओपन इंटरेस्ट, जब मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट था, फिर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट आया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रही लगभग। यहाँ पे कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि लगभग 12:50 के आसपास कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट एक दूसरे में उलझा हुआ था, लगभग बराबर के ओपन इंटरेस्ट थे। फिर लगभग 1:25 के आसपास कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ और मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ गया। तो ये जो हम देखते हैं NSE की वेबसाइट से, जहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें वहाँ पे इतना क्लियर व्यू नहीं मिलता है
जितना इस ट्रेडिंग टिप्स की वेबसाइट पर होता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो पेड हैं और इस तरह का डेटा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग टिप्स वेबसाइट आपको फ्री में ये डेटा देता है, रियल टाइम डेटा देता है, लेकिन इसमें भी आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है, क्योंकि कभी कभी जब आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस वेबसाइट को यूज़ करना ठीक से सीख पाएंगे। तो आप अभी जाइए और हिस्टोरिकल डेटा इसको चेक कीजिए, रोज किस लेवल पे काम कर रही थी मार्केट, मार्केट के सेंटीमेंट आज कैसे थे, कल कैसे हैं, इस तरह से आप 10 दिन 20 दिन का डेटा आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आप जाके कहीं आप इस पर ट्रेड लोगे। अगर आप इस पर ट्रेड लोगे तो आपकी एक्यूरेसी ट्रेड की बढ़ जाएगी। चार्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट एनालिसिस की बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपको देता रहता हूँ, तो आप इस चैनल के अगर सब्सक्राइबर हैं तो आप उन वीडियोस को कंटिन्यूअसली वॉच करो, मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट, स्टॉक्स की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वेबसाइट को आप यूज़ करना आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस पर कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।